नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शाहपुरा नगर पालिका नोटिसों का अड्डा बन गई है और पालिका ने अस्थायी अतिक्रमियों को नोटिस ही दिए गए हैं। पीले चावल बांट देते हैं, आओ और अतिक्रमण करो। एसडीएम के ऑफिस में व्यापारियों को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार और मुनादी करके एसडीएम की अध्यक्षता में शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान की घोषणा की गई। आमजन को लगा कि अब की बार कार्रवाई होगी, पीला पंजा चलेगा, लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आखिरकार हमेशा की तरह ही शाहपुरा पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी फुसफटाका साबित हुआ। एसडीएम के आदेश उड़े हवा में और अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर पालिका के बहाने भी ऐसे कि पुलिस जाप्ता नहीं मिला। बारिश आ रही है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारे पास कोई तो सही, हम तत्पर हैं, पुलिस जाप्ता उपलब्ध करने के लिए हमारे लिए जाम मुसीबत है। आखिरकार सफ़ेद झूठ कब तक चलेगा, ये पूछ रही है शाहपुरा की जनता। मैडम, वर्तमान में शाहपुरा परिक्षेत्र में लगातार जो जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। इसको लेकर के अभी बीच में अपने क्या नाम एसडीएम साहब के वहाँ पे भी एक मीटिंग का आयोजन हुआ था जिसमें आप लोग भी थे, और यहाँ पे अतिक्रमण जो अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है मैन स्टैंड पीपली गट्टे के पास में, उसको हटाने वाली बात आई थी। चूँकि अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें नगर पालिका द्वारा सभी व्यापारियों को और साथ में ठेले वालों को सूचित कर दिया गया है। नगर पालिका के कर्मचारी मिलकर भी उनको सूचना दी है कि आप इस व्हाइट पट्टी के अंदर रहकर अपना व्यापार करेंगे या अपना सामान विक्रय करेंगे। इस संबंध में नगर पालिका और प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जानी थी, लेकिन बारिश की वजह से ये कार्रवाई विलंबित हुई है। इस कार्रवाई को भी अति शीघ्र पूरा किया जाएगा। अभी बीच में एक चर्चा आई थी, जो कि अभी माननीय पुलिस महानिदेशक भी आए थे अपने यहाँ पे, और वहाँ पे भी काफ़ी ग्रामीण लोग, काफ़ी लोग अपनी समस्या लेकर गए थे। जो मेन मुद्दा इसके जो था वो था जाम की स्थिति। आज इस सिटी में अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो अवैध, जिसको अपन कह सकते अस्थायी अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि आप यहीं पर एक छोटा सा उदाहरण भी है कि पीपली गट्टे से लेकर के और आपके अस्पताल तक पूरा जो चारों तरफ दोनों तरफ का जो रोड है पूरा जाम रहता है। आए दिन वहाँ पे क्या नाम है, जो अपने खाटू श्याम जी जाने वाले लोग हैं वो गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, इसके अलावा ठेली वगैरह जो मेन रोड पर बेखौफ होकर के लगा देते हैं, उसको लेकर के कुछ नहीं किया। इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ नगर पालिका के लिए खड़ा हो रहा है, वो ये है कि नगर पालिका के जस्ट बाहर भी मतलब एक दुकान जो अपने क्या नाम है फ्रूट्स वगैरह अपने सब्जी वगैरह जो भी लगा के बैठे हैं, यानी नगर पालिका के जस्ट बाहर इतना बड़ा अतिक्रमण कि एक आम आदमी के लिए चलने के लिए फुटपाथ होता है वो भी नहीं मिल पा रहा उसको, और वो रोड पे चलना उसकी मजबूरी आती है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। तो इसके लिए आप लोग इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? अभी मैंने आपको बताया प्रशासन ने और नगर पालिका ने मिलकर एक कार्यक्रम तय किया था, लेकिन बरसात की वजह से और सार्वजनिक अवकाश, राजकीय अवकाश थे, उस वजह से ये कार्रवाई विलंबित हुई है। तो अभी कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि मतलब आम जो यहाँ के शहरी है कब तक उम्मीद लगा सकते हैं नगर पालिका प्रशासन कुछ इस तरीके से कोई कार्रवाई करेगा जिसपे लोगों को जाम से और ऐसा अतिक्रमण से निजात मिल सके? विमान उपखंड अधिकारी महोदय से दिनांक निर्धारित करके और करवा कर और प्रशासन के साथ में संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, वो अति शीघ्र ही करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फ्रेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समस्याओं के क्रम में आज हम नगर पालिका से जुड़ी हुई समस्या लेकर आए हैं, अस्थायी अतिक्रमणों की। बड़े जोर शोर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम कार्यालय में मीटिंग ले ली गई, जहां व्यापारियों को भी बुलाया गया और सैकड़ों लोगों को शहर के अंदर अतिक्रमण हटाने के नाम पर नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस थे या निमंत्रण पत्र थे कि आओ और अतिक्रमण करो? इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए और मीटिंग फुसफटाका साबित हो गई। एसडीएम साहब के आदेशों की भी धज्जियां उड़ गई। अब नगर पालिका प्रशासन से जब इस बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बारिश आ रही थी, कभी कहते हैं पुलिस जाप्ता नहीं मिलता है, जबकि पुलिस ये कहती है कि पुलिस तो सहयोग करने के लिए तैयार है, कोई आए तो सही। और नोटिस देकर
इन्होंने मजाक का अड्डा बना लिया है शाहपुरा नगर पालिका को। शाहपुरा नगर पालिका सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति का काम करती है।